हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी हम लोग नल सरोवर में है और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सीगल्स है। नल सरोवर पार्ट वन में आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग सीगल्स देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सीगल्स है और हम लोग है फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पे अभी सीगल्स देख रहे हैं। तो गाइज, यहाँ से अभी हम लोग सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। बीच बीच में कुछ कुछ पक्षी दिखेंगे हमें, तो पक्षियों को देखते देखते अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ पक्षी हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमारी बोट पक्षियों के नज़दीक जाती है तो पक्षी है वो दूर चले जाते हैं। होंगे आगे होगा होगा हाँ। अच्छा, आए तो हमें बताना। ठीक है, बोट वाले भैया से मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे अगर कमल का प्लांट आए तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे यहाँ से कमल का प्लांट है वो लेना है। इधर दूर भी आप देख सकते हो, दूर पक्षी बैठा हुआ है। और यहाँ पे मैं ये पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। दूर आप देख सकते हो, इस तरह से दूर दूर पक्षी है। सुबह में ज़्यादा पक्षी होते हैं भैया? ज़्यादा अभी धूप की वजह से कम है। कम है वो पल पे आरोन उड़ी। देखो सुबह में कितने बजे आरोन उड़ी। सामने उड़ी पक्षी है आरोन तो सैबी का रशिया थी आवे ने। हाँ ठीक है, रशिया इधर देखिए। ये रे उड़ी जा रहा है, ये देखिए। छोटे वाला है ना, वाइट स्टील है, वो आबी से સામે જો વ્હાઈટ રહ્યા જોયા પક્ષી જો કેટલા બધા अभी यहाँ पे धीरे धीरे पक्षियों को देख देख के हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे तीसरे पॉइंट पे। वहाँ पे मेन पक्षियों के रुकने की जगह है। सुबह शाम वहीं पे पक्षी है वो रुकते हैं। ये तो पहला के बीजा लगे सीगल ना थी। सीगल से रिवेटन से ग्रेट बैठ से ये छोटा छोटा वाला नाना नाना देखा है आज भी आ रहे हैं। तो बोले बीजा के देखो ये हेरन ब्लैक हवाई स्टील क्या हुआ है। अच्छा, इली पल पे आरोन है और रिगेटन है, सीगल है, इग्रेट है, पल पे मोरन है। अच्छा, यहाँ बजे तो आई नहीं आने की था वो पहली बार। अभी आ जाइए इधर से। ये तो कोई नहीं था, ये नेपाल वालों का। तो गए के बोट वाले भैया है वो हमें पक्षियों के नाम बता रहे हैं।
वो तो डक है, डक्स आगल रहे आया ये नजदीक क्यों नहीं आते બાજુ નજીક છે, સાવ નજીક આવશે, એ તો આવશે સિંગલ છે. और यहाँ पे जो दर्शन है उसकी मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ. ईगल्स. अच्छा गाठिया डाले हमने. तो यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे. देखिए बीच में घोंसला है, यहाँ पे घोंसला है उसका. देखो तो बीच बीच में भी कुछ पक्षी हमें दिख रहे हैं. और गाइस यहाँ पे पानी देखो आप, कितना अच्छा क्लीन पानी है. ये बोट वाले भैया है वो इनमें से पानी पी भी रहे थे, उतना क्लीन पानी है. बहुत ही अच्छा क्लीन पानी है और मीठा पानी है.
और यहाँ पे कमल के प्लांट भी बहुत सारे हैं, तो मैंने इस भैया को बोला तो उन्होंने ये कमल का प्लांट है वो पानी के अंदर जाके निकाल दिया मुझे। इस तरह से है ये कमल का प्लांट, उसको मैं अपने घर ले जाऊंगी और वहाँ पे एक गमले में लगाऊंगी। और अभी बोट के अंदर ही हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि घर से हम बहुत सारा खाना लेके आए हैं। ये थेपले है, सूखी भाजी है और सलाद है, और भी बहुत सारे नाश्ते हम लोग लाए हैं। चिवड़ा लाए हैं, तिल के लड्डू लाए हैं, लेकिन अभी मैंने इतना ही निकाला है। तो यहाँ पे ये दर्शन है वो खाना खा रहा है। बोट में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। पहले भी यहाँ पे हम लोग आए थे तो इस तरह से घर से ही खाना लेके आए थे। वैसे यहाँ पे भी मिलता है खाना, लेकिन हम लोग घर से ही खाना लेके आते हैं। और बोट में बैठ के खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये दर्शन है वो खाना खा रहा है। और खाना खाते खाते हम लोग अभी आगे चलते हैं। आप लोग भी अगर यहाँ पे आए तो घर से ही खाना लेकर आना, और बोट में बैठे बैठे खाना, फिर आप लोग देखना कितना मज़ा आता है। ये खुली यहाँ पे हवा चलती है और ये नज़ारा देखते देखते खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। ये तीसरा पॉइंट है वो पक्षियों के ठहरने की जगह है। ये मेन जगह है जहाँ पे पक्षी है वो सुबह शाम यहाँ पे क्या रुकते हैं। सुबह में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है तो बहुत ज़्यादा पक्षी नहीं है। वैसे दूर दूर थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोग चल के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो हम लोग अभी वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। दर्शन अभी दिखा रहा है कि सामने तक पक्षी है वो रुकते हैं। यहाँ पे पक्षियों का रुकने का एक जगह है, ये है पक्षियों के रुकने की जगह। यहाँ पे सुबह को बहुत सारे पक्षी आते हैं इसी जगह पे। अच्छा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे अभी भी है पक्षी। चलिए अब चलते हैं यहाँ से।
चलिए अब हमारी बोट तैयार है। और यहाँ पे भी लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह पे यहाँ से। चलिए कहीं ना देती अरे आ बाजू बदे घणों से पास आ। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं चौथे पॉइंट पे, और ये चौथा पॉइंट है वहाँ पे बहुत सारे घास है, तो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इसका नाम रखा है अघोरी वन। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास है पानी के अंदर, तो सभी लोग हैं वो घास के अंदर जाके पिक्चर क्लिक करते हैं, और किसी ने यहाँ पे बर्थडे भी मनाया है, तो सभी लोगों को यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग भी यहाँ पे चलते हैं गाइज। और पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी है, और अभी आप देख सकते हो गाइज ये दूसरा बोट भी है। हमारे बोट के आजू बाजू और भी बहुत सारे बोट है। और गाइज ये पानी देखो आप कितना चोखा पानी है, इस तरह से बहुत ही चोखा पानी है। तो दर्शन है वो अभी पानी से खेल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी बोट गाइज देखो आप। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, और यहाँ पे बहुत सारे घास आप देख सकते हो, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा घास है। और गाइज यहाँ पे किसी ने बर्थडे भी मनाया था, चलिए भैया, तो सभी लोग इसलिए यहाँ पे पिक्चर क्लिक करने आते हैं। अभी यहाँ पे सभी बोट है वो वेटिंग में आप देख सकते हो, इन सभी को यहाँ पे पिक्चर क्लिक करनी है।
ये सारे हैं वो अभी वेटिंग में खड़े हैं यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए। अब देख सकते हो गए जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी घास है पानी में और सभी लोग अंदर बोट लेकर घुस गए हैं घास के अंदर। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। अभी हम लोग जाएंगे हमारे पांचवे पॉइंट पे जहाँ पे खाना मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से खाना मिलता है और खाने में क्या क्या मिलता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हमारे छठे पॉइंट पे जहाँ पे खाना मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से है ये जगह जहाँ पे सारी औरतें हैं वो खाना बनाती है। खाने में क्या क्या यहाँ पे मिलेगा वो भी हम पूछते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये मिट्टी के चूल्हे हैं उसके ऊपर खाना बनाती है औरतें। ये सारी औरतें हैं वो यहाँ पे खाना बनाती है। तो हम लोग यहाँ पे अभी पूछते हैं कि खाने में क्या क्या मिलेगा। पटे वाले सब्जी, आलू की सब्जी, बैंगन का भरता है, चटनी आवे, गोड़ आवे, बाजरा का रोटला आवे। और प्राइस क्या रहेगी? 200 रुपया। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को गुजराती खाना मिलेगा और उसकी प्राइस है 200। और इस तरह से चूल्हे पे खाना बनता है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि हम तो घर से खाना लाए थे और हमने तो बोट में ही बैठ के खाना खा लिया था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ही हम लोग वहाँ पे गए थे। तो गाइज चलते हैं अब हमारे छठे पॉइंट पे। तो अभी हम सब बैठ गए हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह में आए थे और अभी शाम हो गई है, तो पूरा दिन यहाँ पे हम लोग घूमे हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। तो अभी दर्शन को बोट चलानी है तो वो बोट चलाने जा रहा है क्योंकि पूरे दिन बोट वाले भैया को बोट चलाते देखते देखते उसको भी अभी मन हो गया है। तो अभी दर्शन जा रहा है बोट चलाने, देखते हैं किस तरह से चलाता है। तो दर्शन अभी बहुत ट्राई कर रहा है बोट चलाने के लिए, लेकिन उनसे अभी बोट चलती नहीं है क्योंकि बोट चलाना कुछ आसान काम नहीं है। वैसे तो देखने में आसान दिखता है लेकिन इसको चलाने में बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है, अभी वो ऐसा बोल रहा है कि इसको चलाने के लिए बहुत ही ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से उनसे ये नहीं चल पा रही है। तो अभी हमारे पढ़ियार साहब है वो भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं वो कैसे चलाते हैं। तो अभी वो भी खड़े हो गए हैं और देखो किस तरह से चलाते हैं। उनसे भी नहीं चल रही, देखो। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए उनसे भी नहीं चल रही बोट। वो भी बोल रहे हैं कि उसको ताकत लगाना पड़ता है। तो अभी पढ़ियार साहब तो गोल गोल घुमाने लगे हैं बोट और अभी यहाँ पे बहुत सभी को हंसी आ रही है उनको देख के। उनसे बोट चलती नहीं है लेकिन कोशिश बहुत ही की है उन्होंने, देखो अभी भी कोशिश जारी ही है।
हार नहीं मान रहे। ऐसे चलाएंगे तो न जाने कब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो अभी बोट वाले भैया है, उन्होंने बोट चलाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से अभी हम लोग आगे निकल गए हैं, आप देख सकते हो। तो हम लोग पहुंच गए हैं छठे पॉइंट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नल राजा है, उसकी निशानी है। ये नल राजा की निशानी है। तो गाइज आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो गाइज आपको भी नल सरोवर आना हो तो ज़रूर आ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और गाइज मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये नल सरोवर है, तकरीबन 120 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अच्छा। और यहाँ दिसंबर जनवरी में काफ़ी विदेश से पक्षी आते हैं और अच्छा। सभी लोग यहाँ बहुत ही आनंद लेने आते हैं, पक्षी देखने आते हैं। अच्छा। सुबह में 6 बजे आए तो बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। अच्छा। और यहाँ पानी है वो 3 फुट ही है। अच्छा। तो बोट में बैठने में, फैमिली के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई जोखिम नहीं। अच्छा। छोटे बच्चे भी इसमें गिरे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। पानी काफी कम है, 3 फुट ही है पानी। अच्छा। इस साल बारिश कम हुई है तो थोड़ा कम पानी है, नहीं तो ज्यादा होता है। नहीं तो थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा मीन्स 2-3 फुट और ज्यादा होता है। अच्छा। यहाँ 6 पॉइंट है देखने के लिए अलग अलग। हाँ, तो पॉइंट का नाम बताइए क्या क्या पक्षी। पॉइंट का नाम तो अभी याद नहीं रहा पूरे। बोट वाले भैया, बोट वाले भैया का इंटरव्यू ले लो। बोलिए भैया। वाले भैया है वो आपको सभी पॉइंट के नाम बताएंगे। अच्छा। सिंगल पॉइंट है, कायला बॉर्डर है। अच्छा। 6 पॉइंट कौन कौन सा है बोलिए। कंबलवाड़ी बोलता है उसको, एक को एक काश्मीरी झील बोलता है। अच्छा। सीगल पॉइंट। अच्छा। और मेन पक्षी की बॉर्डर है चौरा 3। अच्छा। तो और नल राजा की समाधि आएगी और वॉचमैन टावर वाला आएगा। अच्छा। पीछे में कल आता है। Say